हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गाइस, ये तो सिर्फ दिवाली इवेंट के रिवॉर्ड का एक छोटा सा ट्रेलर है। आगे देखो मैं तुम्हें क्या क्या दिखाता हूँ। बाकी हे गाइस, कैसे हो तुम लोग? आई होप कि तुम लोग अच्छे होगे और यार आगे भी अच्छे ही रहना। आज के इस वीडियो के अंदर अपन लोग बात करने वाले हैं हमारे ढेर सारे अपकमिंग इवेंट के बारे में, जैसे कि हमारे दिवाली इवेंट स्पेशल आपको एक स्पेशल गोल्ड रो इवेंट देखने को मिलने वाला है। आप लोग हमारे न्यू बनी बंडल आने का वेट कर रहे हो ना, मुबारक हो गाइस, न्यू बनी बंडल अपने दिवाली इवेंट का टाइम आने वाले हैं। वाओ यार, मुझे ना पता है आप सभी लोग इवो बंडल रिटर्न आने का वेट कर रहे हो। सही कह रहे हो सर, आप बहुत सही कह रहे हो। अरे यार रो मत, दिवाली स्पेशल एक इवो बंडल रिटर्न आने वाला है। अब वो इवो बंडल कौन सा होगा और कब आएगा वो वीडियो में आगे पता चल जाएगा। दिवाली स्पेशल आपको बहुत ही सारे मस्त मस्त से पेट एकदम बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं। एक मस्त सा कॉल बैक इवेंट आने वाला है और गैस यही नहीं, क्रिमिनल बंडल भी रिटर्न आने वाला है। सच मेरे दोस्त, आज का ये वाला वीडियो बहुत ही बवाल होगा, तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। ओके फ्रेंड्स, आइए वीडियो की शुभ शुरुआत करते हैं अपन लोग OB42 अपडेट से। अपडेट के बाद अपने गेम के अंदर एक ऐसा मस्त सा चेंजेस होने जा रहा है ना, जो भाई लिटरली आय हाय इतना सुकून। गाइज बैकग्राउंड में आप लोग देख सकते हो मैं रनिंग करते हुए भी मेडिकेट यूज कर सकता हूँ। जी हाँ, अच्छा? जबकि करंट अपडेट के अंदर अगर हम लोग चलते टाइम मेडिकेट यूज करते हैं तो मेडिकेट कैंसिल हो जाती है, यूज नहीं कर पाते। चलो गाइस बैकग्राउंड में ध्यान दो, ठीक है? मैं यहाँ पे भाई अपनी एचपी को थोड़ी सी लॉस करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरा प्लान फेल हो गया। ये हमारा मैंने जंप। ओके गाइस, तो इस बार मेरी थोड़ी सी एचपी लॉस हो गई है और यहाँ पे देखो मैं रनिंग करते टाइम मेडिकेट का यूज कर पा रहा हूँ। Beautiful! लेकिन हाँ फ्रेंड्स, मेडिकेट यूज करते टाइम आप लोग सिर्फ जॉयस्टिक बटन का यूज कर सकते हो, ठीक है? स्प्रिंट का जो बटन है ना उसे यूज मत करना, वरना भाई मेडिकेट कैंसिल हो जाएगी। यही नहीं, अभी और सुनिए। अपडेट के बाद जब आप लोग वेंडिंग मशीन को यूज करोगे तो थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक मस्त सा शूज। शूज बड़े काम की चीज है मेरा भाई, क्योंकि इसका यूज करके आप लोग जंपिंग जपांग कर पाओगे। क्या बात कर रहे हैं बाबा? ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखो जब आप लोग जंपिंग जपांग शूज को यूज करोगे ना तो जंप का बटन है ना गाइस, उसके ऊपर कुछ ऐसी लेयर आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि आप इसे यूज कर सकते हो। जंपिंग जपांग शूज को यूज करने के लिए भाई नॉर्मली आपका जो जंप बटन है ना गाइस उसके ऊपर दो बार टैप करना है, ठीक है? ये देखो भाई जंपिंग जपांग करके मैं इस घर के ऊपर आ गया। जंपिंग जपांग शूज की एबिलिटी को अगर आपको वापस यूज करना है तो कुछ सेकंड तक वेट करना पड़ेगा, ये अपने आप रिसेट हो जाएगा और वापस आप इसे यूज कर पाओगे। बाकी आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताओ कि इसका यूज करके आप लोग किसके ऊपर चढ़ना चाहोगे, हाँ किस घर के ऊपर चढ़ना चाहोगे कमेंट में बताओ। समझ रहे हो आप? OB42 अपडेट के मैया का सैया इसे यहाँ पे खत्म करते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। चलो भाई, मैं आपको टोटल 3 इनक्यूबेटर दिखाऊंगा जिनमें से कोई एक इनक्यूबेटर दिवाली स्पेशल रिटर्न में आएगा। पहला इनक्यूबेटर है अपने जोकर का इनक्यूबेटर और यार इसकी जो डिमांड है ना भाई वो तो कतई नेक्स्ट लेवल पे है। जोकर इनक्यूबेटर रिटर्न काफी टाइम से इंडियन सर्वर के अंदर पेंडिंग में है क्योंकि इसकी डिमांड काफी बढ़िया है। जिसे इवेंट्स और रिवॉर्ड की डिमांड इंडियन सर्वर के अंदर ज्यादा हो उसे भाई गरना खास मौके पे ही देता है। जोकर इनक्यूबेटर का जो बंडल है उसे लॉन्च करने का भाई खास मौका दिवाली के सिवाय कोई और हो ही नहीं सकता, तो अगर इनक्यूबेटर रिटर्न आता है गाइस तो ये आपको जरूर देखने को मिलेगा। अगर बात करें सेकंड इनक्यूबेटर की तो वो है गाइस अपना एपोकोलिप्टिकल। भाई नाम इसका कते डेंजर है, ठीक है? M10 का इनक्यूबेटर है जो कि आप लोग देखो, ये इनक्यूबेटर बाहर के मोस्ट ऑफ सारे सर्वर के अंदर रिटर्न आ चुका है और कुछ सर्वर के अंदर अभी भी चल रहा है। बस गाइस आने वाले कुछ टाइम के अंदर ये जो अपना
M10 का इनक्यूबेटर है ना गाइस, वो आपको रिटर्न में देखने को मिलेगा, वो भी कंफर्म। रही बात इसके डेट की, तो भाई डेट कंफर्म होने तक आपको वेट करना पड़ेगा, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये डायरेक्ट आ जाए, ठीक है, कोई अपडेट ही ना मिले। तीसरा इनक्यूबेटर है अपना बनी का, जो कि आप लोग देख लो भाई, ये इनक्यूबेटर कते खतरनाक है। इनक्यूबेटर बंडल के जो हेड है ना बनी वाले, वो आप लोग फोन के लिए पहन सकते हो, लेकिन भाई गेम खेलने में मजा नहीं आता। लेकिन इससे इनक्यूबेटर के जो बंडल के टी शर्ट और पैंट है भाई, वो कते खतरनाक है, ठीक है, उसका आप लोग अच्छा खासा कॉम्बिनेशन बना सकते हो। जो गाइस मैंने आपको टोटल 3 इनक्यूबेटर दिखाए, ठीक है, जोकर का इनक्यूबेटर, M10 का इनक्यूबेटर और ये बनी का, ये 3 इनक्यूबेटर में से कोई इनक्यूबेटर दिवाली से पहले नहीं तो 2 महीने के अंदर रिटर्न में आएगी ही, ये बात कन्फर्म है। नहीं तो यार लास्ट ऑप्शन है अपना हॉल ऑफ इनक्यूबेटर, जो की 25 दिसंबर को आएगा। मजा आया। जैसा कि आप सबको पता है, गरेना का मालिक खाली पिली चाउली ने अपने गेम के अंदर काफी टाइम हो चुका है, कोई भी कोलबे के इवेंट नहीं दिया है। लेकिन मेरे ताऊ जी तुम चिंता मत करो, दिवाली स्पेशल कोलबे के इवेंट आने वाला है, जिसकी डेट भी कंफर्म हो चुकी है। बैकग्राउंड में जो आप लोग कोलबे के इवेंट को देख रहे हो ना, ऐसा नहीं आएगा, ठीक है गाइस, ये तो पुराना कोलबे के इवेंट है। इस बार अपने दिवाली कोलबे के इवेंट के अंदर से आपको डायमंड के क्रेट मिलेंगे, कुछ यहाँ पे गाइस वाउचर के क्रेट मिलेंगे, और हो सकता है कि कुछ यहाँ पे रिवॉर्ड्स के भी मिल जाए। रही बात दिवाली स्पेशल कोलबे के इवेंट की डेट की, लेकिन हाँ ये जो मैं आपको डेट बता रहा हूँ ना, उस डेट को सेव करके रख लो, नहीं तो भाई कहीं पे लिख के रख लो, वरना बाद में आप भूल जाओगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, इसकी डेट रहेगी 7 नवंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच में, तो भाई उस टाइम पे कोलबे के इवेंट तुम्हें देखने को मिल जाएगा। अरे बस कर, रुलाएगा क्या। चलिए गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपन लोग स्पेशल गोल्ड रो इवेंट के बारे में। आपको याद होगा पिछली बार जब गोल्ड रो इवेंट आया था ना, तब अपना गेम पूरा हैंग हो गया था, है ना, लेग मार रहा था, और उस टाइम अपना फ्री फायर यार बैन हो गया। वापस से मुझे डर लग रहा है कि भाई अगर यार इस बार गोल्ड रो इवेंट के टाइम वापस गेम बैन हो गया तो क्या होगा। फ्री फायर मैक्स बचा हुआ है और उसे भी अगर गवर्नमेंट उड़ा देगा तो भाई अपन लोग खेलेगा क्या। ये क्या बात करता है यार। लेकिन आप लोग चिंता मत करो, मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, बाकी दिवाली के टाइम आपको एक मस्त सा गोल्ड रो इवेंट देखने को मिलेगा। गोल्ड रो इवेंट के अंदर मस्त मस्त सी गन स्किन रहेगी, लेकिन हाँ कुछ ही गन स्किन परमानेंट रहेगी, बाकी की कुछ गन स्किन यहाँ पे टाइम लिमिटेड रहेगी। देखो भाई दिवाली इवेंट 1 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तो भाई पक्का है, ठीक है, कि भाई उस टाइम पे आ ही जाएगा, तो भाई गोल्ड रो इवेंट भी इसी टाइम के बीच में देखने को मिल जाएगा। बाकी आप लोग अपने हिसाब से गोल्ड को सेव करके रख लेना। Okay. आगे और भी अपकमिंग इवेंट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन आपके कोमल दिल को और कोमल करने के लिए चलिए देखते हैं एक प्यारी सी क्यूट सी मीम। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। खत्म। यार देखो भाई ठीक है, सच में ऐसा बहुत बार होता है कि ये जो सफेद बॉम होता है ना, ठीक है भाई, वो हम लोग अपने टीममेट के ऊपर ही फेंक देते हैं। मेरे ख्याल से ये वाली मीम आपको पसंद आई होगी, तो भाई कमेंट में बता देना। बाकी चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की ओर। आपको पता होगा ये जो अपने 3 न्यू बनी बंडल है ना, वो इंडियन सर्वर के अंदर अभी भी पेंडिंग में पड़े हुए है। जो कैसे लाल पीले हरे खरगोश है ना, ठीक है गाइस, वो आपको बहुत जल्द दिखने को मिलेंगे, क्योंकि मुझे एक अपडेट मिला है कि इससे गरेना अपने दिवाली स्पेशल लाने वाला है। हो सकता है गाइस गरेना इन 3 खरगोश के बंडल को दे दे, नहीं तो भाई ये भी हो सकता है कि सिर्फ एक ही खरगोश का बंडल दे। ये 3 ही खरगोश बंडल गाइस दिवाली के टाइम आएंगे, इससे पॉसिबल मुझे अपडेट मिली थी तो मैंने आपको बता दी। बाकी अभी आप इसे कन्फर्म मत समझना, इसके रिगार्डिंग कोई कन्फर्म अपडेट मिलते हैं तो मैं आपको पक्का बता दूंगा। मजा आया यार ये अपडेट सुन के और देख के, भाई आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, और खास करके भाई इस बार गरेना ने मेरा दिल जीत लिया। लिटरली भाई इस बार गरेना ने दिवाली इवेंट के जो बंडल है वो राम और रावण के थीम पे बनाए हैं। रावण का जो बंडल है उसका तो मुझे एक यूट्यूबर की तरफ से भाई रिव्यू मिल गया, ठीक है, जो कि आप लोग देख सकते हो। यार लिटरली मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि गरेना ने रावण के थीम पे बंडल बनाए हैं। भाई ऐसा नहीं कि बंडल को फालतू बनाया, भाई इसके अंदर एनिमेशन देखो, तगड़ा वाला एनिमेशन, मुखटे में एनिमेशन, ठीक है,
हेड के ऊपर अच्छा खासा एनिमेशन है, टी शर्ट बहुत ही बढ़िया है, पेंट कते खतरनाक है, सब कुछ एकदम परफेक्ट। श्री रावण का बंडल का मुझे रिव्यू मिल गया, लेकिन अपने श्री राम का बंडल है ना, ठीक है गाइस, उसका मुझे रिव्यू नहीं मिला है। हमारे श्री राम का जो बंडल है ना, ठीक है गाइस, उसका फोटो आप लोग लेफ्ट साइड में देखो, जो कि डिजाइन वगैरह कुछ ऐसा रहेगा। दिवाली के थीम पे टोटल 3 बंडल है, जिसके अंदर एक फीमेल का बंडल भी शामिल है। और भाई फीमेल का बंडल देख के ही मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कि घरना ने भाई यार फीमेल का बंडल दे दिया तो भाई ये होगा कि अपने को अच्छे बंडल नहीं मिलेंगे, है ना, क्योंकि भाई श्री राम का बंडल और श्री रावण का बंडल भाई कते खतरनाक है। सिर्फ गैस बंडल नहीं, कटाना की स्किन, व्हीकल की स्किन, गन स्किन, ठीक है, और भी बहुत सारे रिवॉर्ड से जो कि आप लोग देखो। जो भी रिवॉर्ड हमें फ्री में मिलते हैं उसे क्लेम करने के लिए हमें फायर टोकन का यूज करना पड़ेगा, जो कि आप लोग देखो टोटल यहाँ पे 2 टाइप के रहने वाले है। और इसके अलावा दिवाली स्पेशल एक क्रेट भी मिलेगा, जिसके अंदर से भी तुम्हें कुछ फ्री में रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे। दिवाली इवेंट की और भी मेरे पास अपडेट है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। फिलहाल बात करते हैं दिवाली स्पेशल इवो बंडल रिटर्न की। बुया बंडल रिटर्न में नहीं आया तो बहुत ही सारे लोगों का दिल टूट गया। और हाँ भाई, इस मंथ मुझे लगता है कि बुया डे इवो बंडल पक्का रिटर्न नहीं आएगा, लेकिन आप लोग चिंता मत करो, आपके टूटे हुए दिल को गाइस मैं जोड़ने के लिए आया हूँ। क्योंकि कहते हैं ना कि जो अच्छी चीज हमें नहीं मिलती, इसका मतलब ये है कि उससे भी अच्छी चीज अपने को मिलने वाली है। वैसे ही गाइस, अगर बुया डे इवो बंडल रिटर्न में नहीं आया है तो भाई इससे भी मस्त बंडल रिटर्न में आने वाला है, और वो है अपना कोबरा बंडल। देखो गाइस, दिवाली के टाइम सबसे ज्यादा हाई चांस से इवो बंडल रिटर्न आने का, और गैस मेरे को लगता है कि भाई गरना कोबरा बंडल को ही रिटर्न में देगा। अगर दिवाली के टाइम कोई भी इवो बंडल रिटर्न में नहीं आता तो आपको वेट करना पड़ेगा फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज का, क्योंकि भाई तब फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज का गैलेक्सी इवो बंडल रिटर्न में आ सकता है। बाकी गैस, दिवाली के टाइम बुयाडी इवो बंडल नहीं तो अपना कोबरा बंडल आएगा, ये भाई 99% कन्फर्म है, बाकी भाई गरना के ऊपर डिपेंड करता है। रही बात क्रिमिनल बंडल रिटर्न की, तो भाई दिवाली के टाइम एक क्रिमिनल बंडल रिटर्न आने वाला है, ये तो भाई 100% कंफर्म ही है। क्रिमिनल बंडल रिटर्न की बहुत बार मैंने कंफर्म डेट बताई है मेरे पिछले वीडियो के अंदर, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो भाई कमेंट में मुझे बता देना, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं तुम्हें इसकी कंफर्म डेट भी बता दूंगा। लेकिन हाँ गाइस, OB42 अपडेट के बाद न्यू क्रिमिनल बंडल आने वाला है, और इसके साथ और भी रिवॉर्ड्स आएंगे, देखना है तो लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करो। OB42 अपडेट के बाद गेम के अंदर कौन कौन से चेंजेस हो गए वो तुम्हें जानना है तो राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करो।